हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो आज जो है मैं थोड़ा अलग वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज जो है सब्जी मंडी जा रही हूँ। यहाँ पर जो बेंगलोर का सब्जी मंडी कैसा होता है, क्या होता है और वेजिटेबल्स का क्या प्राइस है, वो सब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो मैंने सोचा चलो एक अलग सा वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग आज जा रहे थे बहुत दिनों बाद, तो इसलिए सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ सब्जी मंडी कैसा है। और थोड़ी देर आते ही हम लोग तो भाई फंस गए ट्रैफिक में। बेंगलोर का ट्रैफिक तो सबको पता ही होगा जो बेंगलोर में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं मैं जो है पहुँच गई सब्जी मंडी। यहाँ पर सब्जी जो है इतना अच्छा फ्रेश ताज़ा सब्जियाँ मिलते हैं आपको। वैसे ये जो है मेरे घर से 30-40 मिनट्स का डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। बट यहाँ पर जो है बहुत ही फ्रेश सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं आलू प्याज लहसुन ये सब लेने के लिए। यहाँ पर आलू जो है हमें 4 किलो 100 रुपये में मिल रहा था और प्याज भी 4 किलो 100 रुपये में मिल रहा था। आप लोगों का सर्कल पे क्या प्राइस चल रहा है अभी आलू प्याज का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मैं भी मिला के देखती हूँ कहाँ पर कम ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोगों ने प्याज ले लिया था 6 किलो और आलू ले लिया था 4 किलो। क्योंकि हम मेरे घर पे प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं बहुत प्याज खाती हूँ, आई मीन हर सब्ज़ी में मोस्टली, तो इसलिए प्याज हम लोगों को ज़्यादा लगता है। आलू बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। वैसे भी ये आलू जो है हमारा 2 वीक्स तक आराम से चल जाएगा 4 किलो। बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाते हम लोग। और लहसुन लिया था, लहसुन जो है 350 करके किलो मिल रहा था। ऐसे ना सब्जी मंडी जाने से लगता है कि सारी सब्जियां उठा ले, इतना अच्छा फ्रेश सब्जियां मिलता है वहां पर, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी देर जाने के बाद हमें जो मिला है कि ये गोल गोल जैसा लौकी, ये वाले लौकी जो है हमारे बंगाल में बहुत मिलता है, आई मीन यही वाला मिलता है ज़्यादा। बट यहाँ पर बेंगलोर में जो है ये वाले लौकी नहीं मिलते हैं, जो लंबा लंबा सा होता है वही सिर्फ मिलता है नॉर्मली जो बाहर मिलता है। बट हमारे वेस्ट बंगाल में ये वाले लौकी मिलता है। तो हमें ये दिखा तो हम लोगों ने ये भी ले लिया, बहुत अच्छा लगता है। मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को पसंद है ये वाले लौकी, मुझे उतना लौकी पसंद नहीं है। तो हमने 2 पीस लौकी ले लिया था, 30 रुपये करके एक दे रहा है। देखिए आप साइज़ भी देख सकते हैं, 1 30 रुपीज़, मतलब इतना छोटा का। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा ही प्राइस मिलता है। फिर बाद में यहाँ पर जो है करेला मिल रहा था, छोटा छोटा जो लोकल बोलते हैं वो वाले करेले मिल रहे थे। और हमारे सर्कल में एग्जैक्टली ये वाले नहीं मिलते हैं, इसी टाइप का थोड़ा बड़ा साइज़ का मिलता है। फिर बहुत बड़ा साइज़ का जो एक होता है वो मिलता है। और करेला यहाँ पर दे रहा था 1.25 किलो 20 रुपये, मतलब 250 ग्राम 20 रुपये। तो हम लोगों ने 250 ग्राम्स ले लिया, क्योंकि 2 ही आदमी कितना ही करेला खाएंगे, तो 250 ग्राम हम लोगों ने करेले ले लिए थे। और मेरे हस्बैंड को देखिए, एक एक करेला चुन चुन के ले रहा है, क्योंकि उसे ना सब्जी छांटने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो एक एक सब्जी जो है चुन चुन के ले रहे थे। और यहाँ पर एक पपाया ले लिया है जो कि 20 रुपये का पड़ा है एक ही पीस। और बाद में देखिए यहाँ पर जो है चिकन मिला है। ये वाले चिकन जो है हमारे साइड में नहीं मिलते हैं, इसको क्या लोकल बोलते हैं शायद, मुझे उतना ज़्यादा आइडिया इसके बारे में नहीं है। तो हम लोग है ना बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं, स्पेशली चिकन तो खाते ही नहीं है, क्योंकि ये वाले हमारे सर्कल पे बिल्कुल नहीं मिलता है और अनूप को यही वाले पसंद है, इसीलिए ये मिला है आज उसको, तो बस उसको वही लेना है। तो ये जो है 350 करके किलो दे रहा था और हमारा जो अभी नाप रहा है वो 650 हुआ है टोटल। तो हमने ये ले लिया है और इसको ना मैं एक बहुत ही अच्छे से बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से एक चीज़ दिया है, वो आप लोग वीडियो देखिए तो पता चलेगा मैंने सामने जाके क्या लिया है। तो उसको मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ, आप उसका भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगी, आप लोग प्लीज़ देखना। और आगे जाके हमें मिल गया है फूल गोभी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश था। आप लोगों को देख के शायद पता चल रहा होगा वीडियो में, बहुत ताज़े ताज़े फूल गोभी थे। और एक पीस जो है 40 रुपये करके दे रहा था
आप कोई भी साइज का ले लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी ले लीजिए। एक पीस 40 रुपए करके ले रहा था, दे रहा था। हम लोगों ने जो है 2 पीस ले लिया है, मतलब मीडियम साइज, मीडियम नहीं छोटा ही था एक्चुअली, वो छोटे साइज का 2 ले लिया था हम लोगों ने। बाद में यहाँ पर जो है बहुत सारे साग सब्जियाँ रखा हुआ है, बट यहाँ से ना हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसीलिए आगे से लिया है मैंने। और पेमेंट करके हम लोग निकल रहे हैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं थोड़ा दिखा दो कितना फ्रेश सब्जी मिला है हमें, और वही मैं दिखा रही थी। बाद में यहाँ पर ले लिया पुई, हमारे बंगाली में तो पुई बोलते हैं, आप लोगों को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ बताना। और यहाँ पर साथ ही साथ हमें मुझे मिल गया है, इसको कुमली शाक बोलते हैं हमारे बंगाली में, आप लोगों का लैंग्वेज में क्या बोलता है प्लीज़ मुझे बताना, मुझे जानना है। तो ये 2 साग ले लिया है, 20 करके एक परा है। और बाद में मैंने जो बोल रही थी कि मुझे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ लेना है, ये लिया है मैंने मिट्टी का घड़ा, ये वाले नहीं क्योंकि ये मैं बस चेक कर रही थी। बाद में वहाँ पर जो है सेट मिल रहा था और वहाँ से मैंने जो है एक सेट ले लिया था, हंडी और उसके साथ ढक्कन भी आ रहा था, क्योंकि मुझे जो है चिकन उसी में बनाना है और मैं जो है फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो है पहले ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। तो इसको क्या कैसे करना है वो मैं वीडियो देख के, यूट्यूब में सर्च करके वीडियो देख के कर लूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने जो है ये सेट ले लिया है। वैसे ना ये जो सेट है वो मुझे पड़ा है 350 रुपीज़ का। आप लोगों के उधर क्या प्राइस है मिट्टी के सामान का प्लीज़ बताना, क्योंकि बेंगलोर में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मिट्टी के चीज़ का। मुझे लगता है मिट्टी के चीज़ों का प्राइस हर जगह पे ज़्यादा है, बट यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर ले लिया था ब्रोकली, जो कि 40 रुपये करके एक पीस मिल रहा था, हमने एक लिया था। और बस शॉपिंग वॉपिंग करके सब्जी मंडी से हम लोग निकल गए अपने घर के लिए है, और 2-4 चीज़ें ली थी, बट उसका जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा हाथ जो है पूरा फुल हो गया था, बैग सारे इतने सारे हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ये वीडियो देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।